आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक पीसीए संजीव सिंह चेतावनी देते हुए न्यायालय ने किया बरी। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। 8 दिसंबर 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक स्थान पर बगैर परमिशन भाजपा का झंडा लगाने का मामला था, जिसमें जोरापोखर थाना में आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संजीव सिंह के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उन्हें व्हीलचेयर पर कोर्ट रूम ले जाया गया। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। खराब स्वास्थ्य के कारण संजीव सिंह मीडिया से बात करने में असमर्थ रहे। वहीं संजीव सिंह के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि संजीव सिंह का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। उनका अस्पताल में इलाज होना अति आवश्यक है। इस वक्त यह आवश्यक है कि वह स्वस्थ होकर मुकदमा लड़े और बाइज्जत बड़ी हो और अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को गलत साबित करें। वहीं 2014 के मामले में चेतावनी देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया। वकील साहब आपके बता दें अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? कैसा आपका दिया गया है अभी बताइए। 2014 में जो है विधानसभा झरिया चुनाव के समय जो है उलंदस्ता दंडाधिकारी के द्वारा मुकदमा लगाया गया था, जिसमें उन्होंने धारा 3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत मुकदमा जोरापोखर थाना में दर्ज करवाया था कांग्रेस भाजपा और महाशासक के उम्मीदवारों के खिलाफ। आज 6 गवाहों के परीक्षण के उपरांत जो है माननीय न्यायालय में अभियोजन धारा 3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को साबित करने में असफल हुए। माननीय न्यायालय ने जो है इन्हें इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने के चेतावनी के साथ दोषमुक्त किया है। अच्छा, अभी स्वास्थ्य को लेकर जिनका लग रहा है स्वास्थ्य में तो ठीक कैसी है? लग नहीं रहा है, एक्चुअल में ये बीमार है। ये हम नहीं कह रहे हैं उनके अधिवक्ता होने के नाते, बल्कि ये बार बार जो मेडिकल बोर्ड सरकार के द्वारा और जेल अथॉरिटी के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया, चाहे वो जेल के अंदर हो चार दीवारी के या फिर जेल के बाहर किए एसएनएमएच अस्पताल में हो, बार बार पैनल ऑफ डॉक्टर ने पाया है इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित है और इन्हीं कारणों से उन्हें कई बार जो है अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ा है। आज भी जो है आपके सामने है कि वो पूरी तरह से अस्वस्थ थे, उनका लेफ्ट पार्ट जो बॉडी का है वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, मेंटल कन्फ्यूजन, बहुत तरह की बीमारी। अगर मुझे लगता है कि अगर समय रहते समुचित इलाज नहीं मिला तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग क्या उपचार के लिए कहीं कुछ ये हम लोगों ने बार बार माननीय न्यायालय में जो है उपचार को लेकर जो है आवेदन दिया है। माननीय न्यायालय ने भी इन मामलों का बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और जेल अथॉरिटी को बार बार डायरेक्शन दिया है कि आप इनको उचित इलाज मुहैया कराइए, मगर जेल अथॉरिटी के पास साधन और संसाधन की कमी है। वो जेल प्रीमाइसेस के अंदर जो बीमारी से ग्रसित तो उनका इलाज असंभव है। इनका एक मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट अस्पताल में इलाज होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आप आगे एकदम जाएंगे? देखिए, जीवन अगर मनुष्य रहेगा तब ना मुकदमा चलाइएगा। उनका जीवन अगर वो इस आरोप के साथ किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो एक कलंक लेके जाएंगे। इनके लिए भी अति आवश्यक है कि स्वस्थ होकर मुकदमा फेस करे और बाइज्जत बरी हो, ताकि वो कलंक जो इनके ऊपर लगा, वो आरोप जो लगा है उसको वो साफ सुथरा होकर निकले।